नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल सीजन 13 का आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाना है। लगातार तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते चले जा रहे हैं। आज के मुकाबले में सीएसके के लिए डू और डाई मुकाबला है, ये सभी जानते हैं, और मुंबई इंडियंस को भी बाउंस बैक करना है क्योंकि पिछला मुकाबला हार के आए हैं। कहीं ना कहीं आज मुंबई इंडियंस भी ये बात जानती है कि बाउंस बैक करेंगे दुबई के स्टेडियम में, तभी हमें थोड़ा सा आगे जाने का मोमेंटम मिलेगा और फिर प्लेऑफ्स की टिकट हम पक्की करेंगे, क्योंकि 5 मुकाबले मुंबई इंडियंस के रह रहे हैं और 5 में से उन्हें कम से कम 2 मुकाबले जीतने हैं अगर उन्हें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है, जो उनके लिए इजी भी है। तो क्या सीएसके की टीम मुंबई इंडियंस को बीट कर सकती है? अब तक दोनों टीमों के बीच 29 मुकाबले हुए हैं जिसमें 17 में जीत मिली है मुंबई इंडियंस को और 12 में जीत मिली है सीएसके को। हालांकि इस लीग में, इस टूर्नामेंट में, इस सीजन में पहला मुकाबला जो इन दोनों के बीच में हुआ था वहां पर सीएसके ने बाजी मारी थी। एडवांटेज है, मानसिकता बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद चेन्नई थोड़ी पीछे से पिछड़ गई और मुंबई और आगे आ गई। यहां पर देखना होगा कि सीएसके की टीम कैसा प्रदर्शन करेगी, क्या आज सीएसके के चांसेस हैं बीट करने के और कौन से खिलाड़ी हैं जो आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ अटैक कर सकते हैं। दरअसल सैम करन को आज ओपन कराने का सीधा एक मकसद होगा ट्रेंट बोल्ट को अटैक करना। अगर आपने ट्रेंट बोल्ट को अटैक कर दिया तो फिर आप थोड़ा सा लेट डाउन कर सकते हैं मुंबई इंडियंस को। साथ ही यहां पर नारायण जगदीशन या शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को ऊपर बल्लेबाजी कराई जा सकती है ताकि आप राहुल चहर और कृणाल पांड्या जैसे स्पिनर्स को अटैक कर सके, उन पर बड़ी बड़ी हिट लगा सके, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी स्पिन के विरुद्ध लंबी लंबी हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है कि एमएस धोनी खुद ऊपर आ जाए आज बल्लेबाजी करने के लिए। वहीं रविंद्र जडेजा जो एक शानदार फॉर्म में है, अच्छे जोन में है, अगर गेंदबाजी से कुछ नहीं कर पाए तो बल्लेबाजी से कर रहे हैं या फील्डिंग से कर रहे हैं, तो ये तीसरी जो चीज है वो रविंद्र जडेजा होंगे। अगर रविंद्र जडेजा ने रन्स कर दिए अंतिम 5 ओवरों में तो फिर थोड़ा सा एक्सिलरेट करने के बाद आप दूसरी टीम को दबाव में डाल सकते हैं। और इसके बाद आज फील्डिंग, सीएसके की फील्डिंग अब तक इस सीजन में बहुत खराब रही है। अगर आज सीएसके को जीतना है तो आज आपको कैचेस पकड़ने पड़ेंगे। हमने देखा कि सीएसके की टीम ने दिल्ली के खिलाफ भी जीता हुआ मैच गवाया जब शिखर धवन ने शतक जड़ दिया, उनके 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे और उसके बाद उन्होंने राजस्थान के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया, जिसके बाद अब आज सीएसके के पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आप अगर कैचेस छोड़ेंगे तो फिर आपको मुंबई रगड़ के छोड़ देगी। वही बड़ी बात है कि आज सीएसके के पास ये एडवांटेज है, वो मानसिकता है कि भाई हमने इस टूर्नामेंट के पहले मैच में हमने इन्हें हराया है और हम इन्हें दोबारा भी हराने का हुनर रखते हैं। अब देखना होगा कि सीएसके की टीम किस तरीके से मुंबई इंडियंस के खिलाफ प्लान के साथ उतरती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।